28 फरवरी दिव्यांग उतरेंगे सड़कों पर पार्ट टू। एक बार फिर एक अनोखे आंदोलन का साक्षी बनेगा मध्य प्रदेश का गुना जिला। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा का रूट मैप हुआ जारी, सभी तैयारियां हुई पूरी। आप देख रहे हैं दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा पार्ट टू। दौराना चौराहा राधोगढ़ से गुना कलेक्ट्रेट तक ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हमारी लड़ाई अब हम खुद लड़ेंगे। भीख नहीं सम्मान चाहिए, 600 नहीं 5000 चाहिए। मध्य प्रदेश का गुना जिला एक बार फिर से एक अनोखी यात्रा का साक्षी बनने जा रहा है। इस अनोखे प्रदर्शन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो चल नहीं सकते वो सड़क पर घिसट कर अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर 28 फरवरी से दिव्यांग जन सड़कों पर घिसटते हुए सरकार से अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग करेंगे। 3 महीने पहले शुरू हुई दिव्यांगों की स्वाभिमान पदयात्रा 3 दिनों तक चली थी, जिसमें लगभग 50 से अधिक दिव्यांग शारीरिक रूप से घायल हो गए थे। किसी के हाथ छिल गए थे तो किसी के पैर, और किसी के घुटनों से खून निकल रहा था। इस स्थिति में दिव्यांग गुना कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा कर रहे थे। 3 महीने में दिव्यांगों की 16 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन देकर मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा इस यात्रा को स्थगित करवा दिया गया था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब शासन स्तर पर दिव्यांगों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो दिव्यांगों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरने का निर्णय ले लिया है। इस यात्रा के मीडिया प्रभारी सुनील पंत के द्वारा यात्रा का फाइनल रूट मैप सार्वजनिक किया गया है। इस यात्रा के कुल 15 पड़ाव होंगे। 16वें दिन दिव्यांग गुना कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपना 16 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे। आपकी अगर जरूरत है तो हम आपके घर नहीं जाएंगे, और जबकि हमारा घर शासन ने बना के रखा है पहले से, तो ये है दिव्यांगों का घर, और खुद कराएंगे और घर में बना के एक एक का हालचाल पूछेंगे और बताएंगे। उस घर में हमारे परिवार के लोग होंगे जो ये पूछेंगे कि आपको समस्या क्या है, तो हम समस्या का हल करेंगे। तो हम सबने एक बड़े बड़े भवन हमारे लिए ढांचे खड़े कर दिए, उसको संचालन तब करो जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जब तुमने इसका उद्घाटन किया था तब तो बड़े बड़े मंत्री बुलाए थे, करोड़ों रुपए उसमें लागत लगी थी। उसकी लागत जब लगी थी तब 6 करोड़ थी, आज अगर वो भवन बनेगा तो 15 करोड़ का भवन है हमारा, और 15 करोड़ के भवन में 15 करोड़ के भवन में एक व्यक्ति भी नहीं रहता। तो हमारी शासन से मांगे कि भाई साहब जो आपने कर दिया है ना उसी को सही से संचालित करो। जो 16वीं मांग है वो दिव्यांगों के लिए बिजली के बिलों में पूरी छूट दी जाए। अब ये बताओ जब सबको बिजली के बिलों में छूट दे सकते हो तो दिव्यांग के लिए क्यों नहीं दे सकते? हम ये शासन से मांग करते हैं कि दिव्यांग का बिजली का बिल, चाहे वो कृषि का हो, चाहे घर का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, वो माफ होना चाहिए। क्योंकि दिव्यांगों को जब आप अन्य लोगों को दे रहे हो तो वो सुविधा दिव्यांग को भी मिलनी चाहिए, और पूरी तरह से छूट होनी चाहिए, पूरी तरीके से 100%। दिव्यांग दंपति के बच्चे नर्सरी से उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई का निःशुल्क व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि दिव्यांग है उसका जीवन तो खराब है लेकिन उसके बच्चे का भी जीवन इसलिए खराब होगा क्योंकि दिव्यांग खुद के लिए नहीं कर पा रहा है तो बच्चे के लिए क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमने सरकार से मांग की है कि आप जो दिव्यांग हैं उनके बच्चों की भी निःशुल्क व्यवस्था, पूरी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, हमारी यही मांगे हैं, और हमने इन मांगों को आप सबके बीच रखा है। अब हमारी जो आज यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा में हम जितने लोग आए हम प्रयास ये करेंगे कि गुना पहुंचते पहुंचते आज जो हम 100-200 मांग बिता लें, आज चाहे हमारी मांग पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन हम एक बार जनमानस को बताएंगे, पूरे मध्य प्रदेश को बताएंगे, पूरे देश को बताएंगे कि दिव्यांग वर्ग एक ऐसा है, और जब रोड पे चलता है तो इसकी झांकी कैसे लगती है। सबको मजा आता है ना झांकी देखने में, दूर दूर झांकी देखने जाते हैं, तो वो झांकी यहाँ आके देखे तो झांकी कैसी होती है। जब दिव्यांग पैदल चलता है वो दर्द कैसा होता है। हमारी अगली मांग है सभी जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन किया जाए तथा दिव्यांगों की सभी समस्याओं को हल कर उनका पुनर्वास किया जाए। अब आप समझ रहे होंगे ये पुनर्वास क्या होता है, पुनर्वास केंद्र क्या होता है, और दिव्यांगों को सुचारू रूप से चलाना क्या होता है। हर जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, हमारे गुना जिले में भी। पुनर्वास केंद्र का मतलब ये होता है कि जितने भी दिव्यांग हैं सबसे पहले उनको चिन्हित किया जाए, यानी पहचान की जाए कि दिव्यांग कहाँ कहाँ है, ढूंढे बैटरी लगा के,
कि दिव्यांग किधर किधर है। जब वो दिव्यांग मिल जाए तो उससे पूछे कि भाई साहब तुम्हें परेशानी कौन सी है, आप चल नहीं सकते, आपकी साइकिल चाहिए, ये रही साइकिल, आप पढ़ते हो, आपको आवाज चाहिए, ये रहा आवाज, आपको कोई असुविधा हो रही है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं उसकी जानकारी दे सकते हैं, ये रही जानकारी, आपको और कोई समस्या तो नहीं है, आपको लोन चाहिए, लोन चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, ये हम दिलवाएंगे लोन, आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कम से कम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, आपका रेलवे सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, मेडिकल बोर्ड का नहीं मिल रहा, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र आइए, हम आपको भोपाल लेके चलेंगे, चाहे हम स्वयं जाएं, हम उसको लाभ आपको दिलाएंगे। इतने अधिकार दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को हैं, और आप दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में जाके देख लीजिए, पूरा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खाली पड़ा। दिव्यांग जो मेडिकल बोर्ड है वो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में बैठना चाहिए, और बुधवार को कहां बैठता है, जिला बोर्ड, जिला अस्पताल। दिव्यांग ढूंढते हैं, भाई साहब बताओ वो डॉक्टर साहब कहाँ बैठे, साइकिल आए, पर्ची कटा लो, हॉस्पिटल में भर्ती होना, नहीं नहीं हमें प्रमाण पत्र बनवाना है, देख लो यार हमें नहीं पता इधर कहीं बन रहा हो, अब पांच नंबर काउंटर को पता हो हमें, तब तो हम पांच नंबर काउंटर पे पहुंचे, हमने पूछा भाई साहब ये पांच नंबर काउंटर कहाँ है, वो खिड़की के पास, वो सामने दिख रहा, सामने पहुंच गए, पांच नंबर काउंटर कहाँ है, अरे तुम तो गलत आ गए, उधर जाओ, वो है वो, ये तो छह पे आ गया, ये हमारी पीड़ा और ये वास्तविकता है, और जबकि ये सबको समझ में आती है, लेकिन डॉक्टर वहां क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमें बैठना चाहते, वो ये बताना चाहते हैं हमारी ताकत क्या है, हम सर्वो सर्वा हैं, हमारे आपकी औकात क्या है,